नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 13 कोहका में स्थित भेलवा तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ होने पर कोहका विकास समिति के सदस्यों एवं वार्डवासियों ने निगम महापौर नीरज पाल का आभार जताया है। कोहका भिलाई का भेलवा तालाब विगत कई वर्षों से अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा था, जिसे कोहका विकास समिति ने अपने संज्ञान में लेते हुए इसके जीर्णोद्धार के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई और अब जाकर क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल ने कोहका विकास समिति के संघर्ष को देखते हुए इस तालाब को प्राथमिकता देते हुए इसके सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ करवा दिया है और बहुत जल्द यह तालाब भी भिलाई के अन्य खूबसूरत तालाबों की तरह दिखने लगेगा और क्षेत्र की जनता इस तालाब के जरिए जहाँ स्वास्थ्य लाभ ले पाएगी तो वहीं क्षेत्र के बच्चे भी यहाँ खेलने आया करेंगे। फिलहाल कार्य की गति थोड़ी धीमी है, परंतु महापौर के आदेश के अनुसार कार्य समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। महापौर द्वारा किए जा रहे भेलवा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर कोहका विकास समिति के सदस्यों ने महापौर का हृदय से आभार जताया है। देखिए, ये कोहका का भेलवा तालाब है जो बहुत पुराने वर्षों से तालाब स्थित है और यहाँ पे हर दुख सुख में कार्यक्रम होता है, जैसे दसगात्र है, तेरहवीं है, छठ पूजा है, लेकिन कई सालों के मांग के बावजूद भी इस तालाब का सौंदर्यकरण उपेक्षित ही रहा है। कुछ साल पहले इसको सौंदर्यकरण करने की कोशिश की जा रही थी जो कि अधूरा छूट गया था। कोहका विकास समिति की मांग पर हमारे महापौर श्री नीरज पाल द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और सौंदर्यकरण के कार्य को प्रगति पर लाए हैं। इसके लिए हम श्री नीरज पाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये बोलना चाहेंगे कि विगत कई वर्षों से, कम से कम 20 से 25 सालों से हमारा यहाँ आना जाना होते रहता है, क्योंकि छठ प्रोग्राम जो होता है यहाँ पे, जब भी आते थे यहाँ पे बहुत कुछ अव्यवस्था दिखती थी, जिसके लिए ये कोहका विकास समिति के द्वारा इन लोगों ने बहुत बार मांग की है और हर साल कुछ ना कुछ छोटा छोटा टेंडर होकर काम होते रहता था, लेकिन इस बार जो काम हुआ है, हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे महापौर श्री नीरज पाल जी के द्वारा। बहुत कर्मठ व्यक्ति है वो और जो भी उनके पास अपना कुछ कार्य लेके जाता है तो थोड़ा देर लगती है, लेकिन कार्य बहुत अच्छे से और वो उस कार्य को करते हैं। तो यही बोलना चाहेंगे कि ये जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, इससे यहाँ के रहवासियों को और जिस तरीके से ये एरिया डेवलप हो रहा है, यहाँ के लोगों को बहुत कुछ सुविधा मिलने वाली है। शाम का वातावरण, सुबह का वातावरण, वॉकिंग करने के लिए एक प्राकृतिक जो नेचर होता है वो यहाँ पे मिलने वाला है इन लोगों को। तो हम अपने दिल से, तहे दिल से, मैं मानवाधिकार संगठन से भी हूँ, मानवाधिकार के तरफ से हूँ, तो मैं उनके तरफ से भी उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की जो बातें सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि आपका सहयोग हमारे साथ हमेशा बने रहे। जी, भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल के द्वारा कोहका के भेलवा तालाब के अलावा और 4 तालाबों को संज्ञान में लेकर उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके लिए क्षेत्र की जनता भी अपने महापौर का हृदय से आभार जता रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।